रायचंद संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रबंधन समिति अमर कॉलोनी पूर्वी गोकलपुर से दिल्ली 94 से यहाँ पर रामलीला मैदान में आया हूँ। और ये जैसा कि सर्वविदित है, आज का ये हमारा जो रोष प्रदर्शन था, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद को तोड़े जाने के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारे साथ में हमारी सहयोगी संस्था अखिल भारतीय चमार महासंघ रजिस्टर्ड, जो कि पूरे भारत में बड़े जोर शोर से अपने कार्यक्रम चलाती है, और जहाँ भी कहीं किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है तो हमेशा सब जनों के साथ खड़ी रहती है। और ख़ासकर हम अपने समाज और बहुजनों के लिए हमेशा से ही तन मन धन से सहायता करते रहे हैं, और उनकी आवाज़ जहाँ नहीं सुनी जाती उसके लिए हम बड़े जोर शोर से उनकी आवाज़ उठाते हैं। सर, आज यहाँ रामलीला मैदान में बड़ा धरना प्रदर्शन है, पूरे देश से यहाँ रविदास जी के जो श्रद्धालु हैं, मानने वाले हैं, वो आए हैं हजारों की संख्या में, लाख हो सकते हैं। आज यहाँ पर आपको क्या मैसेज मिला है? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर गैदरिंग हुई है, आज यहाँ पर हर हमारे बहुजन समाज से हर जाति के लोग, जिस प्रकार से हिंदूवादी लोगों ने अपने आप में ब्राह्मणवादी मानसिकता रखते हुए बहुजनों को अलग अलग तबकों में बांटा हुआ है, तो यहाँ पर सब एक साथ मिल कर के जो मंदिर का तोड़े जाने का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इसके लिए हमारे अखिल भारतीय चमार महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री ब्रह्मपाल जी अनिश्चित भूखकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को अवश्य पूरे देश में उठाएं। धन्यवाद। ब्रह्मपाल जी, एक मिनट उनसे बात करो। ब्रह्मपाल जी, करीब 5 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे में पूरा जो यहाँ पे ग्राउंड था ये खाली होने लग रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आए थे, जो मानने वाले आए थे रविदास जी के, उनको यहाँ पर कुछ आश्वासन भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। क्या लगता है ये, क्या ये जो आंदोलन था, धरना प्रदर्शन था, ये फ्लॉप हो गया? नहीं, ये सरकार की चाल है, और हमारा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर का था, उस पर परमिशन थी। सरकार ने जो है रात को ही देर रात से ये जो है डाइवर्ट किया है, जिससे ये सारा डिस्टर्ब हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी और धूप, यहाँ हम लोग जो है कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं कर पाए इस शॉर्ट पीरियड में कि यहाँ टेंट भी लगा सकें। इतनी तेज़ धूप के अंदर ठहरना हर एक के बस की बात नहीं है। सब लोग आए, हाजिरी लगाई और जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, ये लगातार चल रहा है। तो इसमें ब्रह्मपाल जी एक बात बताइए, अच्छा। क्या भूख हड़ताल पर बैठ के मंदिर बन जाएगा? भूख हड़ताल एक रोष है, हमारी श्रद्धा है उनके प्रति, और हमें दुख है इस बात का, इसलिए भूख हड़ताल की। सर, ये केस 20 साल से चल रहा था, तब कहाँ थे आप लोग? नहीं, तब हमारे नोटिस में नहीं था। जो समिति वहाँ पर है उसने इसको पब्लिसाइज नहीं किया कहीं भी, और अकेले ही करती रही। इसमें समिति की गलती मानते हैं आप? हाँ, समिति की कहीं ना कहीं करने का भी था, अपना पक्ष नहीं रख पाई, अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाई, और किसी को उन्होंने कॉन्फिडेंस मिल लिया बताया। स्टेशन के नजदीक है, अगर आप जब ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ तब सबको पता लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था 1 महीने का, फिर भी नहीं कुछ हो पाया, तब तो सबको पता पड़ गया था। सर, रामलीला मैदान में पता चल गया था, चल रहा था वो प्रदर्शन, चल रहा था वहाँ, वहाँ रोजाना जाते थे लोग, सत्संग करते थे और प्रदर्शन करते थे वहाँ पे, रोज चल रहा था वहाँ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एकदम से जैन है विद इन नो टाइम। क्या लग रहा है ब्रह्मपाल जी, आप भी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, क्या ये बीजेपी की एक चाल है, चुनाव है 6 महीने बाद दिल्ली में? वो सब लोगों को कहा हुआ है, चुनाव की वजह नहीं है, बीजेपी की एक नीति है, वो जो है दूसरों को देखना नहीं चाहती। वो जैसा मोदी जी कहते हैं कि अभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो बातों बातों में है, वो काम में नहीं है, जमीन पर नहीं है, उसका उल्टा है सब जगह। जैसे जब ये राम मंदिर के लिए वहीं बनाएंगे, जिसका अभी ये भी पता नहीं कि उनका जन्म भी हुआ कि नहीं हुआ, वो पैदा भी हुए कि नहीं हुए, उसके लिए तो कहते हैं वहीं बनाएंगे, और हमारे रविदास मंदिर को जाए वो जो ये इसे बार बार लोग मंदिर कहते हैं, मंदिर है या गुरु स्थान है? नहीं, ये मंदिर तो राम मंदिर भी, फिर उसका भी है? ये जो है रविदास आश्रम के नाम से था,
जब गुरुजी यहाँ आए थे दिल्ली प्रवास के अंदर, 3 दिन का यहाँ पर प्रवचन किया था उस जगह पर बैठ करके, तो सिकंदर लोधी के टाइम की बात है, 1509 की, 1509 की बात है, 1509 की, जब यह प्रवचन से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी ने उनको जो है ये दान में दिया था। बोलो रविदास मंदिर कहाँ बनेगा? वहीं बनेगा, वहीं बनेगा। बोलो रविदास मंदिर कहाँ बनेगा? वहीं बनेगा, वहीं बनेगा। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सुनो, वहाँ पर एक जो है जोड़ है उसी टाइम का ही, पहले उससे भी उसका चमार, बस स्टेशन भी है, चमार वाला जोड़ नाम से वो प्रसिद्ध है, और नहीं नहीं चमार वाला चमार वाला, और ये जो है 1959 के अंदर इस यहाँ पर मंदिर का रिनोवेशन हुआ, जिसको बाबू जगजीवन राम रेलवे मंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो ये प्राचीन मंदिर है और ऐतिहासिक जगह है। अच्छा ब्रह्मपाल जी, एक बात और बतानी आप, हमारे देश में बहुत सारी कब्र हैं जो 100-150 साल पुरानी हैं, बहुत सारे ऐसे मठ मंदिर हैं जो ग्रीन बेल्ट में बने हुए हैं और वो तालाब में बने हुए हैं, रोडों पर बने हुए हैं, चौराहे में, बहुत सारी वो सब झंडे वाला को देख लो, लंबे समय से नोटिस है। बाकी जो 600 साल पुराना जो मंदिर रहा है गुरुदास जी रविदास जी का, उसको गिरा दिया गया, आखिर कहीं ना कहीं लोगों की सोची समझी मानसिकता है। इनका नाम ले दो, हाँ ये सोची समझी मानसिकता कह लिए या कोर्ट बीच में आ गया उसकी वजह से समझ, लेकिन कोर्ट ने तो और मंदिरों को भी डिसीजन दे रखे हैं ना, वो आप नहीं हटे, आज तक उनको नहीं छेड़ा गया है, उनकी पैरवी ठीक से हो रही है सर, इस बात को मानोगे ना, सपस दिखाई दे रही है, उनकी पैरवी हो रही है ना, केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार की सपस दिखाई दे रही है, कोई शक नहीं है। उसको कितनी बार ऑर्डर कर लिया हमारे उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हटाने के लिए विजेंद्र कुमार जी। अच्छा विजेंद्र कुमार जी, आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या लगता है आपको, क्या सरकार आपकी बात मानेगी रविदास जी के मंदिर को बनाने को लेकर? देखिए हम वो संघर्षवादी समाज के लोग हैं, हमारा पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात मानेगी, और नहीं मानेगी तो इस देश के अंदर वो जुनून आएगा हमारे समाज में, कि जो लोग ये जो सरकारें हैं मनुवादी सरकारें, ये अपने आप को विफल मानेंगी और इन्हें झुक करके मंदिर वहीं बनाना पड़ेगा। सर अभी जुनून आया था, थोड़ी देर में खाली हो गया। नहीं, ये जो देखिए आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि समाज में जब उबाल आता है, उदाहरण एक भिगोने का उबाल होता है, हांडी का उबाल होता है, जो भिगोने का उबाल था ये आज देखने को मिला है, जो हांडी का उबाल होगा वो नहीं थमेगा, उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे लोग एकजुट होंगे, ये हमारे संघर्षवादी समाज का एक उदाहरण रहा है।